नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जातिवाद और योग्यता में योग्यता का चुनाव हो, श्रीमती आकांक्षा सिंह, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की छोटी बहन। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव हमारे परिवार के लिए दुखद है, तो दूसरे पार्टी उत्सव मना रहे हैं। देवव्रत भैया की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए उनके परिवार के सदस्य मेरे पति नरेंद्र सोनी, फलचलाता किसान जो कि कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी हैं, विधानसभा में जितने भी कार्य हुए हैं आज देवव्रत भैया की देन है। जाति धर्म के मुद्दे से हटकर देवव्रत भैया जी ने जो मिसाल कायम की थी, आज मैं उनकी छोटी बहन विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करती हूँ कि जैसा आशीर्वाद और साथ आपने देवव्रत भैया को दिया, उतना ही आशीर्वाद और साथ नरेंद्र सोनी को दें, क्योंकि दोनों पार्टी ने विकास को पीछे करके जातिवाद को आगे किया, जो कि गलत है। क्षेत्र की जनता के लिए एक सोचनीय विषय है। जातिवाद और योग्यता में योग्यता का चुनाव हो, ताकि विकास का रुके ना। मैं आकांक्षा सिंह सोनी, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की छोटी बहन हूँ, और मैं आदरणीय सम्माननीय मतदाताओं से अपील करने आई हूँ नरेंद्र सोनी जी के लिए, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी हैं। ये उपचुनाव हमारे लिए एक शोक की बात है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया है देवव्रत भैया को, और मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि जातिवाद और इन सब चीज़ों के बीच में ना पड़ के, और देवव्रत भैया को एक श्रद्धांजलि देने के लिए हमें अपना वोट दें। किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है? आपने भी हाल ही में बताया कि साले बारह से जी तक भी आप गए चुनाव जी जी जी, तो लोगों का किस तरह से जन समर्थन आपको? भैया, जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि देवव्रत भैया को कोई भूला नहीं है अभी। उनकी जो उनका जो योगदान है यहाँ की खैरागढ़ के लिए, सारी जनता के लिए जो उन्होंने किया है, तो वो लोग अभी भी उनको याद करते हैं, उनको भूला कोई नहीं। और जब हम अपना नाम बताते हैं कि उनकी बहन और दामाद आए हैं, तो लोग और अच्छे से मिलते हैं हम लोगों से। जो भी कांग्रेस के अधिकांश समर्थक सालेवारा अगरकट्टा साइड थे जी, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से देखे या सुने हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है जी, उसको आप किस तरह से मना रहे हैं? आपको अपने जो भी कांग्रेस के लिए वोट के लिए कर रहे हैं, किस तरह से? भैया, वो आप कार्यकर्ता थे, उनकी इच्छा थी, वो कांग्रेस में चले गए, पर मतदाता आज भी बहुत लोग हमसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जो कि हो सकता है देवव्रत भैया से संपर्क ना किए हो इन लोगों की वजह से, तो वो मतदाता हमारे साथ है। अब भैया उचित तो नहीं, पर ये बहुत शर्मनाक घटना है कि देवव्रत भैया यहाँ के राजा भी थे और तब वो विधायक भी थे, और उनके लिए ये सब चीज़ की गई है। ऐसा उनका क्या, मेरे ख्याल से खैरागढ़ में आज तक किसी नेता का पुतला दहन नहीं हुआ, यहाँ तक कि लात भी मारी गई है उनके पुतले को, तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है भैया। आप छात्र हैं, तब से छात्रियों से राजनीति करते आए हैं जी, अभी आपने नगर परिषद चुनाव से पहले आपने कांग्रेस का ही किया था जी, इसलिए चुनाव भी लड़ा था। अब आप जो भी कांग्रेस से दावेदारी सरकार में प्रत्याशी हैं, देखिए देवव्रत सिंह जी हमारे राजा थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऐसा। भारत ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।